वो कई डेडर समझ के या क्या समझ के वो जानवर क्या निकला बारीक सा, हाँ, और उसको पैर में काट लिया। अच्छा, उसके दांत भी गड़ गए थे। हाँ, उसके बाद में चुकी थी उनको जी। उसके बाद उनको एकदम से बेहोश हो गए थे वो जी। बेहोश होने के बाद उन्होंने चेकअप वगैरह करा। हाँ, उसके से सुबह करीब 7 बजे एक दुखद घटना हुई है, जिसमें भोजिया खेड़ी बरुड़ गांव के एक युवा ठेकेदारी से जुड़े हुए थे, उनको किसी जहरीले जीव ने काट लिया, जिससे उनके परिवार के लोग उनको खंडवा लेके आए, लेकिन खंडवा अस्पताल लाने के बाद उनका निधन हो गया है। और बताया ये जा रहा है कि जो मृतक हैं उनका नाम सचिन मीणा बताया जा रहा है, और सचिन मीणा जो है वो ठेकेदारी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, और साथ ही उनका खरगोन रोड के ऊपर उन्होंने ईंट की फैक्ट्री भी स्थापित कर ली थी, और वे काफ़ी व्यवहार कुशल थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग भोजियाखेड़ी बरुड़ गांव से आए हुए हैं, और ये सभी लोग मृतक के मित्र हैं, और सचिन भाई जो जिनका निधन हुआ है उनकी व्यवहारिकता का ही वजह रही है, जिसकी वजह से उनके निधन की जब खबर पहुंची तो पूरे गाँव के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो क्या है पूरा मामला, हम उनके पिताजी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरी घटना। दादा नमस्कार। दादा क्या हुआ था पूरा बताइए। वो तो घर क्या लेटरिंग बाथरूम में आया जी। नाम हाँ, हाँ, सचिन। उम्र कितने थी? उम्र 38 के लगभग होगी, 35 38। अच्छा, वो भाई साहब अपने ठेकेदारी वगैरह के काम से हाँ। हुए थे। अब सुबह आज जो घटना हुई है हाँ। उसका पूरा बताइए। तो वो क्या है कि घर आए लेटरिंग बाथरूम करके हाँ। और वो वापस गए जाके हाँ। नहाना था हाँ। नहा के ना अगरबत्ती लगाता है वो रोज हनुमान मंदिर में जी। तो वो नहा नहीं पाए उसके पहले, वो अब नहाने बैठा, पानी सामने रखा हाँ। भगोने में या कहीं में भी। अच्छा, और उसके बाद में वो सामने दर था बारीक सा बाथरूम के हाँ। अंदर नहीं बाथरूम के बाहर हाँ। तो वो कई डेडर समझ के या क्या समझ के वो जानवर क्या निकला बारीक सा हाँ। और उसको पैर में काट लिया। अच्छा, उसके दांत भी गड़ गए थे हाँ। उसके बाद में मैं लाड़ी गई घर बुलाने की, उनको कहीं ने काट लिया हाँ। तो मैंने कहा मैं भी आता हूँ हाँ। मैं गया, छोरी छोटे वाले की मेरे गोद में थी हाँ। मैंने कहा क्या हो गया भाई हाँ। तो क्या वो कहीं ने काट लिया। तो मैंने कहा तूने देखा तेरी आंख से? तो कि हाँ मैंने देख लिया हाँ। कई भी जानवर है पर पतला सा है हाँ। तो मैंने कहा नागिन के अलावा कुछ नहीं पतला सा हो सकता है जी। मैंने कहा कि एक काम कर, मैंने कहा कि तू चीरा मार ले पैर में हाँ। तब उनने किया कि नहीं किया ये उनकी मर्जी है, क्योंकि मेरे आप पास आप लोग उनको लेके खंडवा आए हाँ। तो मैंने कहा कि भाई वो उतारने वाले को बुला लेते हैं। तो हाँ। वहां भी गया कोई हाँ। तो उनका कई पर गाँव गए हुए थे वो हाँ। तो वो आ नहीं पाए। अच्छा, तो मैंने कहा कि यार तुम विलम्ब मत करो यार, अब जब जानवर ने काट लिया है तो तुरंत खंडवा पकड़ो हाँ। फिर आप लोग खंडवा लेके आए? फिर खंडवा लेके फिर यहाँ अस्पताल में कुछ दवाई गोली हो पाई उनका? हाँ, उनका इलाज चल रहा था हाँ। और उसके बाद में दिखना या बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, नहीं तो यहाँ तक होश में आया थे। अच्छा, ठीक है हाँ। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। दादा आप कुछ कहेंगे? लक्की भाई कुछ बताएंगे सचिन भाई के बारे में? आप साथ में लेके आए थे? क्या नाम है आपका? विवेक राठौर। राठौर जी क्या हुआ था पूरा बताइए। गाड़ी में आ रहे थे वो हाँ, उनको दिखना बंद हो रहा था, धुंधला धुंधला दिख रहा था उनको मतलब। अच्छा, आते आते हाँ। और यहाँ पे आने के बाद इलाज हो गया उनका, इलाज चालू हो गया था उनका हाँ। बोतल वगैरह जो लगना थी वो लग चुकी थी उनको जी। उसके बाद उनको एकदम से बेहोश हो गए थे वो जी। बेहोश होने के बाद उन्होंने चेकअप वगैरह करा हाँ। उसके से मतलब अच्छा, जैसा सचिन भाई के पिताजी ने बताया कि उनको जैसे कोई जहरीले जीव ने जो काटा, तो फिर आपको खबर कैसे मिली? दिया ने फोन करा था। अच्छा, आप लोगों ने फोन किया? लोगों ने, परिवार के लोगों हाँ, ने। तो आप उनके मित्र हैं? हाँ, मित्र हैं। अच्छा, मतलब इतने सारे लोग आए तो सचिन भाई की काफी व्यवहार कुशलता हाँ, थी। अच्छे व्यवहार, बहुत अच्छे व्यवहार, मिलनसार व्यक्ति थे सबसे। अच्छा, मतलब एक दुखद घटना हुई। दुखद जी जी जी। आप कुछ कहेंगे भाई? कुछ नहीं, गाँव के लिए एक अद्वितीय क्षति है जी। बहुत अच्छे व्यक्ति थे और सब लोगों की मदद तत्परता रहती थी, जब भी जरूरत पड़ती थी, किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ती थी तो तत्परता से आ जाते थे। कभी उन्होंने ये नहीं देखा छोटा है बड़ा है। अच्छा, गरीब है अमीर है, हर व्यक्ति की हर जरूरतमंद के लिए तत्पर, बिल्कुल बिल्कुल, हर सामाजिक राजनीतिक कार्यों में गाँव की सेवा में हमेशा तत्परता से खड़े रहते थे और सब लोगों की मदद करते थे, कभी मना नहीं करा किसी को। सचिन भाई का जैसे निधन हो गया तो पूरे गाँव में काफी लोग शोक, बहुत लोग शोक की लहर है गाँव में और काफी लोग बहुत दुखी है इस चीज से, क्योंकि बहुत सारे लोग काम पे जाने वाले थे, सब काम जोड़ के अच्छा यहाँ पे आना पड़ा उनका जी, बिल्कुल। अच्छा दादा, आप कुछ बोलेंगे? अरे उनके व्यवहार ऐसे थे भाई कि किसी को भी कोई जरूरत पड़ी, उनकी दो दो गाड़ियां जो थी जनता के लिए, गाँव की सेवा के लिए,
तत्पर रहते थे जी। किसी को कुछ भी हो जाए अगर यदि थोड़ा सा भी फोन उनके पास जाता था तो वो गांव की सेवा के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहते थे। खुद के पेट्रोल डीजल से लोगों की जनता की सेवा करते थे जी। और हमारे गांव के लिए ये बड़ी दुखद घटना है जी। ऐसा होना नहीं चाहिए था जी। और एक गाँव का एक हीरा हमारे गाँव से निकल गया जी। ये बड़ी दुखद घटना है। हमारे इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।